पंचायतों की बैठकों में सरपंच पति के भाग लेने पर प्रतिबंध पहले ही लगा दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर जिला कलेक्टर को पूर्व में ही निर्देश दिए जा चुके हैं, मगर इसके बाद भी रीवा जिले में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां अभी भी सरपंच के पुत्र पति ग्राम सभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं सरपंच पति एवं पुत्रों को कार्यवाही का खौफ नहीं रहा है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर ब्लॉक के बंजारी ग्राम पंचायत का है, जहां बीते दिनों पूर्व ग्राम पंचायत भवन में ग्राम सभा को सरपंच पति त्रिवेणी पटेल पत्नी सरपंच अरुणावती पटेल संबोधित करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इस वायरल वीडियो से साफ साफ जाहिर होता है कि यह लोग जिला प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन शोभा निकुम ने त्रिस्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचों पंचों की सक्रिय भागीदारी हो। महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों का संचालन उनके पति या अन्य परिजन की ओर से किया जाना वर्जित है। यदि कोई सरपंच पति या पंच पति महिला सरपंच व पंच के स्थान पर ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेता पाया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच पंच के विरुद्ध पद से विधिवत हटाए जाने की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए हैं और कहा गया है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा।